ये पिंड नूरपुर वेदी कस्बे दे विच जिथे कि इतिहासिक गुरद्वारा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की चरण छोह प्राप्त अते बाबा संगत सिंह जी का गुरद्वारा सुशोभित है। गुरद्वारा साहब लगभग उस पहाड़ी की चोटी ते है जिहड़ा कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का है। आज तुहानू दर्शन करवाउंदे आ गुरद्वारा दमदमा खटार साहिब दे। स्वागत है तुहाडा अगले ब्लॉग च। ते पिछले ब्लॉग च तुसीं देखिया सी शहीद बाबा संगत सिंह जी दा घर। ये शहीद बाबा संगत सिंह जी दा घर है। ते इस स्थान तो आपां चलदे आ गुरद्वारा कटार साहब जिहड़ा कि कटासोर दे विच इतिहासिक गुरद्वारा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरण छोह प्राप्त है। ते आपां उहनां दे दर्शन करदे आ गुरद्वारा साहब दे। अज इतिहासिक गुरद्वारा जिथे कि गुरु गोबिंद सिंह जी आए सी। इस रास्ते तो आके गुरु गोबिंद सिंह जी ने फौज तैयार करने लई इकट्ठ इत्थे भी बुलाया सी। इस पिंड तो भी बाबा संगत सिंह जी भी उन्हां चों इक सी जिहड़े कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल चले उस समय ते सिंह सजे जिथे कि गुरद्वारा साहब कटार साहिब बने होया है। ते एक गल होर दी पता लगी है कि इस अस्थान ते ही इस पिंड दा नाम कटासोर पिया सी। पहला इस पिंड दा नाम सी कटार साहिब ते ही पिया सी। कटार पिंड का नाम सीगा। ते इस तों बाद इसका नाम कटासोर हो गया। ये स्थान बिल्कुल जंगल दे विच है। जंगल दे विच जिहड़ा गुरद्वारा साहब है दमदमा कटार साहब उत्थे आके महाराज ने विश्राम किया सी। ते उस जगह ते लैके चलांगे थोनों। बिल्कुल पीक ते है चोटी ते जंगल ते जंगल दे विच है वो स्थान। ते उत्थे चलदे हां आपां। ये स्थान बिल्कुल पीक ते है पहाड़ी ते। पिंड इत्थों बिल्कुल बहुत नीचे है लेकिन इत्थे भी कुछ घर बसे हुए। जिदा भी इस रास्ते महाराज आए उतो बै बेशक ला लेंदे इत्थों महाराज जी आए इस रास्ते आए थे। बाबा जी मड़े दादी इधर जो थाड़ा साहब है इस रास्ते तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चल के आए सी इस पिंड दे विच। ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। इस बोर्ड के थले आके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने विश्राम किया। उस समय का बोर्ड है। दूजा पास भी दिखा दो जिथे महाराज आके बैठे ना वही जगह। इस स्थान से साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने विश्राम किया। ये थड़ा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चरण छोह प्राप्त। तो आज आप फिर गुरद्वारा साहब के दर्शन करते हैं। ਇਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ।
देखने लायक जगह है। संघ जी इस अस्थान ते जरूर दर्शन करना, क्योंकि बहुत संगतां नूं इस अस्थान बारे नहीं पता होना। पिंड कट्टा सबोर कस्बा नूरपुर बेदी जिला रूपनगर च यह अस्थान है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की चरण छोह प्राप्त इस अस्थान ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आए सी, ते ये वो थड़ा है जिथे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने विश्राम किया। यह अस्थान अजकल श्रोमणी कमेटी के अंडर है। यह लंगर हाल बनाया गया है, इतने बहुत ही वधिया प्रबंध किए गए ने। तुसी दर्शन किए गुरुद्वारा साहिब दमदमा कटार साहिब दे। जे जानकारी चंगी लगी तो वीडियो नू लाइक ते शेयर कर दिओ, ते चैनल सबसक्राइब कर लिओ ताकि साडी आने वाली वीडियोज़ तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। थैंक यू सो मच।